और चलिए अब विश्लेषण में नगर निगम के बाद नगर पालिका की भी बात करते हैं। यहां पर भी भाजपा ने उम्दा प्रदर्शन किया तो साथ ही साथ सपा को जोर का झटका दिया। ऐसा इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका परिषद के चुनाव में जी तोड़ मेहनत की थी लेकिन उसका फल शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। साइकिल फिर लक्ष्य से चूकी, नहीं मिली जीत की बूटी। पालिका में भी योगी का शोर, कैसे कमजोर हुई सपा की डोर। निकाय की दूसरी बड़ी इकाई होती है नगर पालिका परिषद, जिस पर समाजवादी खेमे ने अपनी नजरें शुरू से गड़ा रखी थी। सपा की कोशिश थी कि 199 नगर पालिकाओं में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने कब्जे में की जाए, लेकिन फैसला तो जनता को देना था, सो दे दिया। मतपेटियां खुली तो नगर पालिका में भाजपा की जय जयकार हो गई। ये सीएम योगी का करिश्मा ही था जो उन्होंने निकाय चुनाव में जीतोड़ मेहनत की और सूबे में निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिला दी। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का यह आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। भाजपा के इस करंट को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। 199 नगर पालिकाओं में भाजपा ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि सपा बमुश्किल 36 सीटें ही जीत सकी। उधर बसपा 19 पर ही सिमट गई। हालांकि 2017 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा और सपा में ही टक्कर देखने को मिली थी जब भाजपा ने 198 नगर पालिका में 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि समाजवादी पार्टी ने 45 सीटें जीती थी। पर 2023 में सपा का प्रदर्शन सुधरने की जगह और खराब हो गया। हालांकि सपा अपने गढ़ इटावा में तीनों नगर पालिका परिषद जीतने में सफल गई। इस जीत के पीछे सियासी जानकार शिवपाल यादव की रणनीति को बड़ी वजह बता रहे हैं। यहाँ पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे और सभी की सब नगर पालिका की सभी सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। देखिए ये छोटे छोटे चुनाव हैं, इसमें गुटबंदी भी हो जाती है, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता भी दो करके लड़ जाते हैं, तो ये तो तब भी समाजवादी पार्टी ने सभी सीटें जीती हैं और आगे हम संगठन की समीक्षा भी करेंगे। सपा भले ही निकाय के ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है लेकिन 2024 में भाजपा को टक्कर देने का दम भर रही है। उसके इस दावे में कितना दम है इसका एक बड़ा टेस्ट बहुत जल्द हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।